हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे खिचड़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया एक हैवी बॉटम पैन, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, 1 मीडियम साइज की चॉप्ड प्याज। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे। इसे स्टर करेंगे कंटिन्यूसली जब तक ये प्याज फ्राई होती है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप राइस, 1/2 कप मसूर की दाल। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे वॉश कर लिया है। यहाँ पर आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है सोना मसूरी कर्नूल राइस। प्याज चेक कर लेंगे। प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज यहाँ पर हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे इतना फ्राई करेंगे कि एक सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून शाहजीरा। फ्लेम को हम लो रखेंगे। 4 से 5 इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची ऐड की है। 2 मीडियम साइज के दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे 1 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरीके से गरम मसाला भून जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हल्दी मैंने यहाँ पर कलर के लिए यूज़ की है। इसे हम चला लेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें गरम गरम पानी ऐड करेंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 कप गरम पानी। आप इतना पानी ऐड करें जिसमें चावल अच्छे से डिप हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन कैसे आप चावल लेते हैं। अगर बारीक चावल हो तो इस हिसाब से आप पानी ऐड करें। यहाँ पर मैंने लिया है सोना मसूरी कर्नूल राइस। चावल और मसूर की दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इस गर्म पानी में ऐड कर देंगे। इसे अब हम चला लेंगे। इसे ढक देंगे। जब 1 से 2 उबाल आ जाए, इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 फ्रेश हरी मिर्च। इसे मैंने वॉश कर ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून हरा धनिया अच्छे से चॉप कर ऐड कर लें। पुदीना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर हम इसे चला लेंगे ताकि हरा धनिया इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक ऐड कर देंगे एज़ पर योर टेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर अच्छे से हम पका लेंगे जब तक कि पानी पूरी तरीके से ना सूख जाए। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम दम पर रख देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि पानी अच्छे से सूख गया है। चावल ज़बरदस्त से फरेरे खनकते हुए तैयार हुए हैं। इसे हम प्रेजेंट करेंगे रिंग मोल्ड से। रिंग मोल्ड को मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। गरम गरम चावल को हम रिंग मोल्ड में ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे प्रेस करते जाएंगे और चावलों को इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर एक टिप है कि आप गरम चावल ही इसमें ऐड करें। अब एक प्लेट लेंगे, इसे अपसाइड डाउन करेंगे इस तरह से गरम गरम ही। इसे हल्के हाथ से हम टैप कर लेंगे ताकि ये इजीली निकल आए। वाओ, ये देखिए रिंग शेप खिचड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे पापड़ से, फ्रायम से। जो बच्चे नहीं भी खाते हो, इसे देखकर ज़रूर खाएंगे। खिचड़ी तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे स्टाइल में इसे प्रेजेंट ज़रूर कर देखिए। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी और इसका प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।